उसके बाद आगे देखिए, कैप्टन जिम मैकफर्सन, उसने कहा कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाइड किया, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और फिर मैंने भी उसे हैप्पी क्रिसमस आपको भी ऐसा कहकर उसको उसकी बधाई दी। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड, कि मैं वेस्ट इंग्लैंड से डॉरसेट नाम की जो जगह है वहां पर एक स्कूल टीचर हूँ। आह डॉरसेट, ही स्माइल, और डॉरसेट का नाम सुनकर उसने इस तरह से शो किया कि आह डॉरसेट, अच्छा डॉरसेट, ही स्माइल, और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा आई नो दिस प्लेस, कि मैं इस जगह को जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे काफी अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस, फिर उसके बाद हम लोगों ने हमारी जो रम, रम का मतलब एक तरह का ड्रिंक होता है, तो उसके बाद हम लोगों ने हमारी जो रम थी उसको और जो एक्सीलेंट सॉसेस थे उनको आपस में शेयर किया, बांटा, एंड वी टॉक, और फिर हम लोग बातें करने लगे। कॉनी, हाउ वी टॉक, अब वो कॉनी से कहता है कि हाउ वी टॉक, हम कैसे बातें कर रहे थे, मतलब हम किस प्रकार की बातें कर रहे थे, तो ये बताता है आगे कि ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, कि वो ऑलमोस्ट परफेक्टली इंग्लिश में बात कर रहा था, मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश में बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, लेकिन मुझे आखिर में पता चला, टर्न आउट का मतलब होता है लास्ट में, कि मुझे बिल्कुल लास्ट में पता चला कि ही हैड नेवर सेट, कि उसने रखा भी नहीं था फुट यानी पैर इन डॉरसेट, डॉरसेट नाम की जगह पर उसने कभी पैर भी नहीं रखा था जिसके बारे में वो मुझे बता रहा था। नेवर सी, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, और ना ही कभी इंग्लैंड के अंदर, एंड ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल्स एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उसने जो कुछ भी मुझे बताया, जो कुछ भी वो जानता था इंग्लैंड के बारे में, वो सब कुछ उसने स्कूल से या फिर किन्हीं किताबों से जो कि उसने पढ़ा था, इंग्लिश की जो भी किताबें थी वहां से उसने पढ़ा था, और पढ़कर ये जानकारी उसे मिली थी या ये जानकारी उसने जुटाई थी जिसके बारे में वो मुझे बता रहा था डॉरसेट और इंग्लैंड के बारे में। तो ये सब जानकारी उसने बुक से पढ़ी थी या फिर किसी स्कूल से ये नॉलेज उसने लिया था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका सबसे फेवरेट राइटर जो था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड, और उसकी जो फेमस बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड, ये उसकी फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड ग्रेबियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉरसेट, और उसके बाद हम उस नो मैंस लैंड के ऊपर बातें कर रहे थे, किस किस बारे में हम लोगों ने बातें की, तो वहां पर हमने उस नो मैंस लैंड के ऊपर हमने बाथशेबा, ग्रेबियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय और डॉरसेट के बारे में बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड सन, उसके एक वाइफ और एक बेटा भी था, बॉर्न जस्ट 6 मंथ एगो, जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड आउट मी, और जब उसने मेरी ओर देखा, जब उसने मेरी ओर देखा तो फिर वो कहता है देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, तो जब चारों ओर हम लोगों ने देखा तो हमें वहां पर काफी ज्यादा खाकी और ग्रे कलर के लोग दिखाई दे रहे थे। ग्रे और खाकी कलर से मतलब है कि वहां पर हमें हर जगह पर ग्रे और खाकी कलर के जो लोगों के जो झुंड थे वो हमें वहां पर दिखाई दे रहे थे। हर्डल्स का मतलब होता है झुंड। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, उस पूरी नो मैंस लैंड के ऊपर हमें केवल वही दिखाई दे रहे थे, स्मोकिंग करते हुए, लाफिंग करते हुए, टॉकिंग करते हुए, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग करते हुए। हैंसवुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, फिर हैंसवुल्फ ने और मैंने, हम लोगों ने शेयर किया जो भी कुछ हमारे पास बचा था, उस आश्चर्यजनक क्रिसमस केक जो कि हमारे पास बचा था, जो कि उसको हम लोगों ने शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, ही थॉट, फिर उसने जो मार्जिपैन, मार्जिपैन का मीनिंग साइड में दे रखा है एक स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स, कि एक स्वीट कवरिंग होती है केक के ऊपर की जो कि शुगर, एग और आलमंड से बनाई जाती है। आलमंड का मतलब होता है बादाम, तो इनसे बनाई जाने वाली एक स्वीट कवरिंग होती है जो केक के ऊपर लगाई जाती है। तो इस मार्जिपैन को उसने, मुझे ऐसा लगता है या उसे लगा था कि उसने सबसे बढ़िया मार्जिपैन का स्वाद लिया था, अब तक उसने ऐसा मार्जिपैन नहीं चखा था। आई एग्रीड, मैं भी इस बात से सहमत था कि वो काफी अच्छा था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर एक चीज से सहमत थे। एंड ही वॉज माई इनिमी, और मैं ये भी जानता था कि वो मेरा शत्रु है। एंड देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, और इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई होगी कोनी, मतलब इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी जो है दो दुश्मनों की सेनाओं के बीच में वो कभी नहीं हुई होगी, और कोई भी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। Then someone, I don't know who, लेकिन तभी अचानक कोई, I don't know who, मैं नहीं जानता कि कौन, brought out a football, जो कि एक फुटबॉल लेकर आ गया।
ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प इन पाइल्स, जो ग्रेट कोर्ट्स थे, बड़े बड़े जो कोर्ट्स थे उनको डम्प किया गया, मतलब इकट्ठा किया गया एक ढेर के रूप में, एंड टू मेक गोल पोस्ट, गोल पोस्ट बनाया गया। गोल पोस्ट क्या होता है? गोल पोस्ट होता है जो फुटबॉल का जो मैच खेला जाता है उसमें दोनों तरफ गोल पोस्ट बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं। तो जो ग्रेट कोर्ट्स थे उन ग्रेट कोर्ट्स के बहुत सारे ढेर बनाए गए, और ढेर बनाकर बहुत ऊंची ढेरी जो है उन कोर्टों को इकट्ठा करके बना ली गई थी, और उसको हमने गोल पोस्ट बना दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। और दूसरी थिंग जो कि हम जानते थे वो ये था कि टॉमी अगेंस्ट थे फ्रिज आउट, फ्रिज लोगों के, मतलब टॉमी मतलब जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो, और इसका फ्रिज का मतलब होता है जो जर्मन सोल्जर्स थे। तो अगली चीज़ वो ये थी कि वो हम सभी जानते थे कि जो टॉमी और फ्रिज हैं जो कि उस नो मैंस लैंड के बीचों बीच में मैच खेल रहे थे, और वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट थे। अगेंस्ट तो इसलिए क्योंकि वो दोनों मैच खेल रहे थे, तो हर एक टीम जो है वो दूसरी टीम के अगेंस्ट होती है, तो इसलिए वो लोग मैच खेल रहे थे। हैंसवुल्फ एंड आई लुक ऑन एंड चीयर्ड, हम लोग जो कि हैंसवुल्फ और मैं जो कि हम उनको देख रहे थे, चीयर्ड कर रहे थे उनको, क्लैपिंग अवर हैंड्स, अपने हाथों को बजा रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, एंड स्टेपिंग अवर फीट, और अपने पैरों पर स्टेपिंग कर रहे थे, स्टेपिंग करने का मतलब थपथपाना, और अपने पैरों को थपथपा रहे थे, टू कीप आउट द कोल्ड सो मच एज एनीथिंग। और ये हम ऐसा इसलिए कर रहे थे कि वहां पर जो ज्यादा ठंड थी उस ठंड को हम अपने आप से दूर रखने के लिए, अपने हाथों को गर्म रखने के लिए हम क्लैपिंग कर रहे थे और अपने पैरों को थपथपा रहे थे। देयर वॉज अ मूवमेंट व्हेन आई नोटिस अवर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और एक मूवमेंट ऐसा जो कि हमने नोटिस किया या मैंने नोटिस किया वो ये था कि हमारी जो सांसें थी वो मिंगलिंग, मिंगलिंग का मतलब होता है मिल रही थी या घुल मिल रही थी हवा के अंदर, बिटवीन अस, हम दोनों की जो सांसें थी, किस किस की, तो हैंसवुल्फ की और जो राइटर है इसका जो ऑथर है उसकी, तो इन दोनों की जो सांसें थी वो हवा में घुल मिल रही थी। ही सा इट टू एंड स्माइल, और उसने भी इसे देखा था और उसने स्माइल भी किया था। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर ए वाइल, फिर उसने मुझे कहा था, किसने, हैंसवुल्फ ने मुझे कहा कि जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर ए वाइल, कुछ समय या कुछ क्षण के बाद उसने मुझे कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमें इस वॉर को, इस युद्ध को इस प्रकार से खत्म कर देना चाहिए, मतलब हमें इसी प्रकार से इस युद्ध का समाधान या कोई भी जो है एंडिंग जो है वो निकालनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे ये हुआ ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई मरता भी नहीं है, नो चिल्ड्रन वर ऑर्फन, और कोई जो बच्चे हैं वो ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ होना, कोई जो बच्चे हैं वो ऑर्फन यानी अनाथ भी नहीं होते, एंड नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नियां जो है वो विधवा भी नहीं होती है। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि मैं क्रिकेट को प्रेफर करूंगा, मतलब मुझे, मैंने उसको फुटबॉल की जगह क्रिकेट को प्रेफर करने की बात बताई। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, देन वी टॉमीज, और तब हम जो टॉमीज थे उन लोगों को शायद अपनी जीत का विश्वास हो गया था, मतलब हम लोग श्योर हो गए थे कि हम ही जीतेंगे। वी लाफ एट दैट, हम लोग हंसे, एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर हम लोग वापस गेम देखने लगे। सैड टू से, लेकिन दुख की बात यह है जो कि आगे बताता है कौन ही, फ्रिज वॉन, कि जो फ्रिज थे वो लोग जीत गए थे, कैसे जीत गए थे, 2-1, जो टॉमीज थे उन लोगों को ऐसा लगा था कि शायद वो जीत जाएंगे, लेकिन अंत में जो फ्रिज थे वो जीत गए थे, और वो भी 2-2, 2-2 का मतलब हो गया कि 1-2 वो लोग जीत गए थे। बट एज हैंसवुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन तब हैंसवुल्फ ने बहुत ही जेनरसली तरीके से, बहुत ही उदारतापूर्ण तरीके से कहा कि अगर गोल वॉज वाइडर देन दियर, कि हमारा जो गोल था वो तुम्हारे गोल से ज्यादा चौड़ा था, सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए ये ठीक नहीं था, जो भी कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। द टाइम केम, और अब समय आ गया था, ऑल टू सून, बहुत ही नजदीक जो समय था वो आ गया था कि जो मैच है वो भी अब खत्म होने वाला है। व्हेन द गेम वॉज फिनिश, कि जो गेम है वो भी अब खत्म होने वाला है। एंड द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जो सॉसेज, रम और स्नैप्स जो कि काफी लंबे समय तक हमारे बीच में चल रहे थे वो भी अब खत्म होने वाले थे। एंड वी न्यू इट, इट वॉज ऑल ओवर, और हम लोग ये जानते थे कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने विश किया यानी मैंने प्रार्थना की, किस बारे में, तो ये कहता है कि आई विश्ड हैंस वेल
एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि मैंने प्रार्थना की कि हैंस जो है वो ठीक हो, और हमने उसे बताया कि हम ऐसी आशा रखते हैं कि वो अपने परिवार को बहुत ही जल्दी मिल सकेगा, अपने परिवार के पास जा सकेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और ये जो फाइटिंग है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी और हम सभी अपने अपने घरों को जा सकेंगे, ऐसा उसने बताया। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वांट। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा हर एक सोल्जर चाहता है कि जो युद्ध है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, युद्ध के अंदर जो ज्यादा लोगों की जो डेथ होती है वो भी ना हो, कोई प्रकार का नुकसान भी ना हो, ऐसा हर एक सोल्जर चाहता है। तो जो राइटर है इसका जिम मैकफर्सन, वो भी यही चाहता था कि आई थिंक, मैंने सोचा, दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वांट, जैसा कि हर एक सोल्जर चाहता है ऑन बोथ साइड, और वो भी दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं वो चाहते हैं। हैंसवुल्फ सेड, हैंसवुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, कि जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। जैसा कि हम किसी से जब विदा लेते हैं तो हम कहते हैं टेक केयर, तो उसने जिम मैकफर्सन से कहा हैंसवुल्फ ने कि टेक केयर एंड आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, कि हम इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूलेंगे, नॉर यू, और ना ही तुम भूलोगे। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. और उसके बाद उसने मुझे सैल्यूट किया और फिर वो धीरे धीरे अनचाहे तरीके से, unwillingly का मतलब होता है न चाहते हुए भी वो मुझसे धीरे धीरे दूर चला गया। I felt he turned to wave just once. मैंने ऐसा महसूस किया, he turned to wave, कि वो एक बार मुड़ा पीछे अपने हाथ को ऊपर उठाकर लहराने के लिए, एंड जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ द ग्रे कोटेड मैन, और फिर वो भी उन्हीं में से एक हो गया जो कि ग्रे कलर के कोटेड जो मैन, जो कि उस तरफ वापस जा रहे थे, अपने बंकर में जा रहे थे, तो वो भी उनमें घुल मिल गया और उन्हीं में से एक वो हो गया। एंड ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड दियर ट्रेंचेस, और अपने बंकरों की तरफ लौटते हुए सिर्फ उनकी पीठ जो है वो हमें दिखाई दे रही थी, जो कि अपनी बंकर की ओर बढ़ रहे थे। दैट नाइट, और उसी नाइट को, बैक इन आवर डगआउट, जबकि हम लोग अपने डगआउट्स का मतलब होता है खंदक, और खंदक होते हैं, जो कि इसने ऊपर भी एक वर्ड बताया था बंकर, ठीक उसी तरीके से खंदक होता है। तो इसने बताया डगआउट का मीनिंग भी इसमें दे रखा है, एक आपकी ग्लोसरी में, एक शेल्टर फ्रॉम फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, कि एक ऐसा शेल्टर, एक ऐसी शरण स्थली जो कि सोल्जर्स के द्वारा बनाई जाती है, डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर होल करके या कोई भी गड्ढा खोदकर और ऊपर से उसको कवर किया जाता है, जिसको डगआउट कहते हैं या हिंदी में उसको खंदक कहते हैं। तो दैट नाइट, और उसी रात को, बैक इन आवर डगआउट, जब हम अपने डगआउट्स में आ चुके थे, अपने खंदकों में आ गए थे, वी हियर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, कैरोल कहते हैं फ्रेंड्स जो आपका जो क्रिसमस का जो गीत होता है उसको हम कैरोल कहते हैं। तो इसने कहा कि हमने सुना, वी हियर, हम लोगों ने सुना था, देम यानी उनको, सिंगिंग यानी गाते हुए, कैरोल गाते हुए हमने उन लोगों को सुना था, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल लेस साइलेंट नाइट, और वो लोग गा रहे थे, वो ये था स्टिल नेच साइलेंट नाइट, इस तरह से वो लोग गा रहे थे। अवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड वॉच, और जो हमारे जो लड़के थे उन्होंने भी उस आवाज को और ज्यादा मजबूती प्रदान की कोरस गाकर, कोरस भी एक प्रकार का गीत होता है, तो इस कोरस को गाकर उन लोगों ने उन्हें एक मजबूती प्रदान की और उन लोगों ने गाना स्टार्ट किया वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल्ड, हम काफी समय तक अपने कैरोल्स को एक्सचेंज करते रहे, एंड देन वी फेल साइलेंट, और फिर हम सभी शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम टू पीस एंड गुडविल, और अब ये जो समय था वो कैसा समय था, वो हमारे लिए शांति और भाईचारे का समय था, गुडविल का समय था। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और एक ऐसा समय जिसको मैं जब तक संजो कर रखूंगा, जब तक याद करके रखूंगा, जब तक आई लिव का मतलब होता है जब तक मैं जीवित रहूंगा। फिर वो आगे कहता है कि डियरेस्ट कॉनी, अपनी वाइफ से कहता है डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि जब अगली बार जब क्रिसमस का समय आएगा, जब अगली बार क्रिसमस का समय आएगा, उस समय क्या होगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, कि ये युद्ध बिल्कुल भी नहीं होगा, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन इसकी बहुत ही दूरस्थ और भयानक जो यादें हैं, डिस्टेंट का मतलब दूर की और टेरिबल का मतलब डरावनी या भयानक जो मेमोरी है इसकी, वो हमारे पास रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे, और मैं ऐसा मानता हूँ या मैं ऐसा जानता हूँ
कि जो कुछ भी आज हुआ था, दैट ऑल हैपन टूडे, जो कुछ भी आज घटा था, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, क्योंकि दोनों तरफ की जो आर्मीज थी जो कि पीस चाहती थी, शांति चाहती थी, कितनी ज्यादा शांति की कामनाएं रखती थी। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा रखना, विश रखना। वी शैल बी टूगेदर अगेन सून, हम सभी अगले बार साथ में होंगे, टूगेदर यानी साथ में होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और इसके लिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हूँ। योर लविंग जिम, और इस लेटर को जो कि जिम मैकफर्सन ने लिखा था अपनी वाइफ कॉनी को, तो लास्ट में ये पूरा जो इसका सेकंड पार्ट है, इस पूरे सेकंड पार्ट में वो लेटर उसके अंदर लिखा गया जो कि उसने अपनी वाइफ को लिखा था। ये लेटर मिला किसको था? ये लेटर मिला था जो राइटर था, जिसने वो रोल टॉप डेस्क एक जंक शॉप से खरीदा था, और जब वो उसको सही करने के लिए उसके ड्रॉर्स को खोल रहा था, तो उस ड्रॉर में, लास्ट ड्रॉर में उसको ये लेटर मिला था जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ था। अब हम आते हैं इसके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैड रिटन द लेटर एंड टू होम एंड वेन, कि ये लेटर किसने किसे लिखा था और कब लिखा था। तो मिस्टर जिम मैकफर्सन रॉट दिस लेटर, मिस्टर जिम मैकफर्सन जो था रॉट दिस लेटर, उसने ये लिखा था। ही रॉट इट टू हिज वाइफ मिसिस कॉनी मैकफर्सन, और ये लेटर उसने अपनी वाइफ मिसिस कॉनी मैकफर्सन को लिखा था। इट वॉज रिटन ऑन दिसंबर 26, 1914, और ये 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था। Why was the letter written and what was the wonderful thing that had happened? और ये letter क्यों लिखा गया था? Why was the letter written? ये letter क्यों लिखा गया था? और इसके अंदर what was the wonderful thing? कि सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या थी that had happened, जो कि घटित हुई थी। तो the letter was written because something wonderful had happened। ये letter लिखा गया था क्योंकि कुछ आश्चर्यजनक घटा था, और वो आश्चर्यजनक क्या था? वो ये था कि द वंडरफुल थिंग वॉज द क्रिसमस पार्टी, फुटबॉल मैच, एक्सचेंज ऑफ कैरोल्स ऑफ फाइटिंग इंग्लिश एंड जर्मन सोल्जर्स ऑन द नो मैंस लैंड। और वो एक्सचेंज जो कि उन्होंने किया था अपने कैरोल्स को, जो क्रिसमस पार्टी उन्होंने की थी, जो फुटबॉल का मैच उन्होंने रखा था, और जो एक्सचेंज कर रहे थे अपने कैरोल्स को, और फाइटिंग किस किस के बीच में? जो इंग्लिश और जर्मन सोल्जर्स थे उनके बीच में, और कहाँ? नो मैंस लैंड के ऊपर। तो ये सब कुछ जो कि एक असंभव सी चीज थी, जो दो दुश्मन आर्मीज थी उनके बीच ये सब कुछ होना जो कि बिल्कुल आश्चर्यजनक चीज थी, तो ये सब कुछ हुआ था उस दिन, इसलिए ये सब कुछ उस लेटर में लिखा गया था। व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, कि जब वो लोग सोल्जर्स नहीं थे तो वो दोनों क्या क्या काम करते थे। तो व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, कि जब वो सोल्जर्स नहीं थे, हैंस वुल्फ यूज टू प्ले चेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा, तो जो हैंस वुल्फ था वो चेलो एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर एक चेलो नाम का वाद्य यंत्र बजाया करता था। और जो जिम मैकफर्सन था डिड द जॉब ऑफ अ स्कूल टीचर, वो एक स्कूल टीचर का जॉब किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फोर्थ, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या हैंस वुल्फ ने कभी डॉर्सेट देखा था? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इसे जानता है? नो हैंस वुल्फ हैड नेवर सीन टू डॉर्सेट, नहीं हैंस वुल्फ ने कभी डॉर्सेट नहीं देखा था, वहां पर वो कभी भी नहीं गया था। ही हैड उसने ऐसा कहा, क्यों कहा उसने? ही न्यू इट, क्योंकि वो जानता था, बिकॉज ही हैड लर्न ऑल फ्रॉम स्कूल्स एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, क्योंकि ऐसा सब कुछ जो कि वो उस डॉर्सेट के बारे में बता रहा था, तो ये सब कुछ वो जानता था। कहाँ से जाना उसने? स्कूलों से जाना, जब वो पढ़ता था, और उसने रीडिंग बुक्स जो कि वो इंग्लिश की बुक्स पढ़ता था, वहां से पढ़कर उसने उस डॉर्सेट नाम की जगह के बारे में सब कुछ जाना था। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या तुम सोचते हो कि जो जिम मैकफर्सन है वो उस युद्ध के बाद वापस आया? हाउ डू यू नो दिस, और आप ही कैसे मानते हो? तो इसका आंसर होगा आई थिंक जिम मैकफर्सन नेवर कम बैक फ्रॉम द वॉर, कि मैं ऐसा सोचता हूँ या जो मेरा विचार है वो ये है कि जिम मैकफर्सन जो है वो उस वॉर से वापस नहीं आया था। द ऑथर वेंट टू मीट मिसिस मैकफर्सन, और जो इसका ऑथर था वो उस मिसिस मैकफर्सन जो कॉनी मैकफर्सन थी उससे मिलने गया था। द मैट्रन ऑल्सो टोल्ड दैट मिसिस मैकफर्सन हैड नो फैमिली, और जो उसकी जो मैट्रन थी, मैट्रन का मतलब होता है नर्स या केयर टेकर जो होती है, उसने बताया था कि मिसिस मैकफर्सन की कोई फैमिली नहीं है, कोई भी उसका परिवार नहीं है।